योगासनाय नमः विमलासनाय नमः विश्वशक्तये नमः रिं प्रदेव्यै नमः सकल पूजनार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि नमस्कारान् समर्पयामहे भूयो भूयो क्षमायाचनां निवेदयामहे ॐ मानस्तो केतनये मान आयुगि मानो गोकुमानो अस्वे कुरीरिकः मानो वीरं रुद्रवामिनो वदीरे हवामहे ॐ ह्रीं प्रदिव्यै नमः ह्रीं चण्डिकायै नमः गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पतिं पञ्चैतान् संस्मरे नित्यं यज्ञयागं समारभेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजं भूफलचारः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिम् ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादो ओम पुण्डरीकाक्ष पुनादो कमलनेन भगवान् त्रिभुवन को पावन करे ओम केशवाय नमः स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा नारायणाय नमः स्वाहा ओम गोविंदाय नमो नमः हरि ओम प्रणवस्य परब्रह्मर्षे परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः भूरादि सप्तव्यारतीनां क्रमेण विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम मत्री वसिष्ठस्य पादृशय गायत्रिष्णिगणष्टोभ्रादि पङ्क्ति दृष्टुभ्जगत्यश्चन्दांसि ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छन्दः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं मृत्यश्च प्रजापतिर्षि ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवता यजुश्छन्दः सर्वेषां प्राणाय हमारी रक्षा करते हैं और हम इस नरसिंह मंदिर प्रांगण से आप सबके सामने ये कहना चाहते हैं कि ये यज्ञ निर्बाध रूप से पूरा होगा, ज्योतिर्मठ की रक्षा होगी, ज्योतिर्मठ को कुछ नहीं होगा। इतना ही सूचना देते हुए इस यज्ञ के आचार्य हमारे धर्माधिकारी जी पंडित भुवन मुनियाल जी हैं, इस यज्ञ के उपाचार्य हमारे प्रदीप सेमवाल जी हैं, इस यज्ञ के ब्रह्मा आपके रामदयाल मैदुली जी हैं, इस यज्ञ के तीन उपद्रष्टा हैं, एक हमारे बहुगुणा जी, क्या नाम है, कुशलानंद बहुगुणा जी, हमारे नंबूरी जी, क्या नाम पूरा, भगवती प्रसाद नंबूरी जी, और हमारे वासुदेव नरसिंह मंदिर के पुजारी जी, क्या नाम, संजय डिमरी जी, ये तीन इसके उपद्रष्टा हैं और ये ज्योतिर्मठ के हमारे पीठ के पुरोहित, हमने इनको नियुक्त किया है आनंद सती जी को, ये इसकी देख रेख करेंगे और आप लोगों का जो भी नाम है वो यहाँ सूची में लगा दो और ये सब लोग मिल करके बड़े पवित्रता पवित्र भावना के साथ इस यज्ञ को आप लोग संपन्न करिए। प्रतिदिन भी दक्षिणा हम देंगे और जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब भी दक्षिणा देंगे, उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। प्रतिदिन भी देंगे ताकि रोज का खर्चा भी आपका चले, आप निश्चिंत रहें, घर में कुछ दे सकें और यज्ञ जब पूरा होगा तब भी जितना उस समय हम लोगों की सामर्थ्य शक्ति होगी आपको प्रसन्न करके हम आशीर्वाद चाहेंगे। माताओं का भी हम इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहेंगे कि वे सब प्रार्थना करें और सब लोग मिल करके ये रक्षा का कार्य संपन्न हो। हर हर महादेव।